यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे यूपी के सभी जिलों के मौसम का हाल, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मौसम के क्या हाल रहने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में कहां पर कितना ज़्यादा तापमान बना रहेगा, कब से ठंडक की शुरुआत होगी यानी कि कड़ाके की ठंड उत्तर प्रदेश वासियों को परेशान कर सकती है, और कब से उत्तर प्रदेश में मौसम में खासा बदलाव देखने को मिलेगा, तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और क्या आने वाले दो दिन में उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे प्रदेश का तापमान, यानी कि प्रदेश के कौन से हिस्से में कहां पर तापमान कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है और कैसा अभी मौसम उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेज़ी से मौसम बदल रहा है, पारा लगातार नीचे गिर रहा है, जिसके चलते ठंड का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ की तुलना में दूसरे शहरों में ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो कहीं पर पारा ज़्यादा है। हालांकि लखनऊ का मौसम भी अब सर्द होने लगा है। अगर लखनऊ की बात करें तो अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आपको बता दें कि हल्के सुबह के समय बादल छाए रहे हैं और साथ ही धूप भी निकल रही है, जिसके चलते धूप की तपिश का लोगों को एहसास हो रहा है और ऐसे में गर्मी जैसा माहौल हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सुबह शाम हल्के बादल छाए रहने पर धुंध छाती है, जिसके चलते ठंडक का एहसास भी हो रहा है। आपको बता दें कि हवाओं की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर बनी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दीपावली के बाद से लखनऊ में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा उच्चतम स्तर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो वहीं अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। आंशिक रूप से बादल छाए हैं और हवा की रफ्तार भी 10 से 15 किलोमीटर की है। साथ ही साथ यहाँ पर भी प्रदूषण है और सुबह शाम ठंडक का एहसास हो रहा है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। साथ ही साथ प्रयागराज में भी हल्की ठंडक देखी जा रही है और बारिश होने की संभावना केवल 2% है, यानी कि मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा कानपुर गोरखपुर में भी मौसम साफ रहेगा, कानपुर में हल्के बादल छा सकते हैं। कानपुर गोरखपुर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो है वो हल्का दिन में हल्की सी गर्मी से का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुबह शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंडक भरा यहाँ पर मौसम हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में आने वाले दिनों में जमकर ठंड पड़ने वाली है। 15 नवंबर के बाद से यहाँ पर यूपी में ठंड का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ठंडक का एहसास यहाँ पर होने वाला है। और आपको बता दें कि पहले ही मौसम विभाग अनुमान जता चुका है कि इस बार यूपी में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। ऐसे में यूपी में आने वाले दिनों में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है और साथ ही साथ पूरी तरीके से मौसम बदला सा नज़र आएगा। अधिकतर ज़िलों में सुबह शाम ठंडक का एहसास हो रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ठंडक का एहसास उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंडक का एहसास लोगों को हो रहा है। वहीं 15 नवंबर से तीनों राज्यों में ठंड अपना कहर दिखाएगी और अलग स्तर पर तापमान रिकॉर्ड होगा। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।